अस्सलाम वालेकुम मैन, वेलकम टू ज़ायगोट फार्म। आज सुबह सुबह मैं बहुत जल्दी मैं फार्म पे पहुंच गया हूँ। अभी 6 बजे, आज 1 अगस्त है, तो आज सीजन की पहली डिवर्मिंग करनी है। वही हिसाब से फार्म पे जल्दी आया हूँ, क्योंकि जितना अर्ली मॉर्निंग करेंगे डिवर्मिंग उतना बेहतर रिजल्ट आता है। तो ये सुबह का नज़ारा था ही फार्म का, बहुत ही प्लेजेंट क्लाइमेट है, जैसा हर बार इधर रहता है। तो इस सीजन का पहला मेरा डीवर्मिंग है जो मैं जेनवेट से करता हूँ। काफ़ी महंगी दवा है, इसका प्राइस आप MRP देख सकते हो, उसको बेहतरीन रिजल्ट है। तो ये जेनवेट है, इसमें ड्रग जो आता है वो क्लोसेंटल है। महंगी भी है ये, इसका MRP आप देख सकते हैं, 1825 रुपया MRP है आधा लीटर का, 500 ml का 1825 रुपया इसका MRP है। तो ये आपको 20% लेस करके मिल जाएगा। थोड़ी कॉस्टली है, पर डोज भी इसका कम है। इसका डोज आप देख सकते हो, 1 ml 10 से 15 kg बॉडी वेट के लिए। इंटास कंपनी का प्रोडक्ट है ये। तो मैं मेरी शुरुआत पहला जेनवेट से ही करता हूँ। इसके इंटास कंपनी के 4 डीवर्मर आते हैं, तो चारों यूज़ करते करते मेरा साल भी मुकम्मल हो जाता है। तो आप भी कोई अच्छा डीवर्मर, कोई भी बढ़िया कंपनी का चूज़ करके, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि ओरली डीवर्मिंग करें। इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, डेक्टोमैक्स वगैरह आता है, फिर हाईटेक भी आता है। इसको आप बीच में कभी भी यूज़ कर सकते हो, जैसे 2.5 से 3 महीने का अपना गैप रहता है डीवर्मिंग का, तो उस बीच में आप कभी भी 1-1.5 महीने में स्किन के लिए आप डेक्टोमैक्स या हाईटेक से कर सकते हो। तो हर बार आपको डीवर्मर चेंज करना है, जैसा मैंने पिछले मेरे डीवर्मिंग के वीडियो में मैं बताया हूँ कि हर बार आपको डीवर्मर चेंज करना है। यही नहीं कि एक ही मेडिसिन से आप डीवर्मिंग करते रहो तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यह आता है कि जो वर्म्स है उनको भी मेडिसिन की आदत हो जाती है। तो ये ट्राई करो कि डीवर्मर हर बार चेंज करो। और जैसा मैंने बताया है मेरे पिछले वीडियो में कि सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट आपको डीवर्मिंग करना है। ये नहीं कि कभी भी आप दिन में डीवर्मिंग करो तो इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो सुबह अर्ली मॉर्निंग, जितना सुबह जल्दी हो सके उतना आपको जल्दी दवा देनी है, फिर उसके 2-3 घंटे बाद आपको जो भी फीड देना है वो दे सकते हो। तो ये तो अभी बहुत सारा मैंने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने शेयर कर चुका हूँ। ये एक बताने का था कि साल का पहला डीवर्मिंग शेड्यूल मेरा था और मैंने जेनवेट से कर लिया, और मैं ये शेड्यूल इसका डीवर्मिंग का है वो बराबर टाइम टू टाइम करता हूँ, इसको स्किप नहीं करता हूँ। और बहुत सारे भाई लोग हमारी यही गलती कर जाते हैं कि डीवर्मिंग बराबर से कायदे से नहीं करते। डीवर्मिंग पे बहुत फोकस ज़रूरी है,
बकरे का वेट गेन का दारोमदार और उसकी इम्यूनिटी बहुत कुछ डिवर्मिंग पे डिपेंड रहती है, तो इसको बहुत ही टाइटली ये शेड्यूल फॉलो करना चाहिए और अच्छी से अच्छी दवा, चाहे कितनी भी महंगी हो उससे आपको डिवर्मिंग करना है। बेहतर रिजल्ट के लिए डीवर्मिंग आप फॉलो करो, एक शेड्यूल बनाओ, ढाई ढाई महीने का एक शेड्यूल बनाओ और उस तरह से अपने को डीवर्मिंग का काम करना है। तो ये वीडियो यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना।